पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी ने पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जीत का एक बार फिर दावा कर दिया। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो उन्हें वैसे भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, लेकिन पंजाब समेत तमाम असम्बलियों से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की भारी अक्सरियत की सपोर्ट से सारे पाकिस्तान में कल मैं मेरी टीम यही टीम क्वेटा गई थी, वहाँ पर भी हम वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। सिंध में मैं ये गुफ्तगू करता हुआ आ रहा हूँ कि इंशाल्लाह 4 तारीख को बड़ी भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीतेगा। आरिफ अलवी ने अपने कायद की तरह सादा तर्ज सियासी ज़िंदगी गुजारने का वादा तो कर दिया और कराची से इस्लामाबाद तक हेलीकॉप्टर में सफ़र करने को बेवकूफ़ी करार दिया, लेकिन शायद उनकी तरजीह हेलीकॉप्टर की बजाय जहाज़ में सफ़र करना है। कराची से इस्लामाबाद आना हेलीकॉप्टर में मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी, जहाज में तो आ सकते हैं। आरिफ अलवी का कहना था कि मुल्क में बहुत सारे गैर सियासी मसाइल हैं जो वो आइनी सदर होते हुए हल करने की कोशिश करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध और बलूचिस्तान में तब्दीली लाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ कामरान अली, कैपिटल टीवी, पेशावर।